वेलकम टू नॉलेज सीकर्स गाइस। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बीएक्सई फॉर इनसेम एग्जाम। सो देखिए गाइस, इस वीडियो में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने मिलेंगे कि वो पेपर में आने ही वाले हैं, मीन्स ऑलमोस्ट वो क्वेश्चन आएंगे, इसलिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन स्किप है, तो आपको ओवरऑल बहुत सारा पढ़ना है। बट ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो आपको पढ़ना ही है, अगर आपको इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि इनके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। सो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द हाफ वेव रेक्टिफायर विथ नीट डायग्राम, और दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन फुल वेव रेक्टिफायर विथ नीट डायग्राम। सो देखिए गाइज, इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा, इतना कन्फर्म है, क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर पर एक क्वेश्चन हमेशा रहता ही है। सो फिर थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फोटोडायोड विथ वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। सो देखिए, यूनिट नंबर 3 से मैंने बस तीन ही क्वेश्चंस लिए हैं, क्योंकि मुझे लगा कि इन तीनों क्वेश्चन में से ही दो क्वेश्चन ऑलमोस्ट आ ही जाएंगे, क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर में से एक आएगा ही, और इसमें से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। सो यूनिट नंबर 1 में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आप वो भी क्वेश्चन कीजिएगा, बट ये क्वेश्चन को आप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर यूनिट नंबर 3 में क्वेश्चन एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ बीजेटी विथ हेल्प ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन। सो इसमें बेसिकली आपको NPN ट्रांजिस्टर जो रहता है उसको एक्सप्लेन करना है। सो इसका क्वेश्चन ऐसा आता है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ BJT विद द हेल्प ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ BJT एज स्विच। सो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आती है चार डायग्राम। सो वो चार डायग्राम अगर आप अच्छे से ड्रॉ करते हो, तो इसमें स्कोर करना आपके लिए बहुत ही ईजी रहेगा। सो देखिए, यूनिट नंबर 2 अगर आप करिए, तो यूनिट नंबर 2 में सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन देखते हो, तो सबसे पहले उसकी डायग्राम बनाते हो। सो अगर आपकी डायग्राम अच्छी रहती है, तो एग्जामिनर को लगता है कि नहीं, अगर इसकी डायग्राम अच्छी है तो इसको वो फिर फुल मार्क्स दे देता है, फिर एक्सप्लेनेशन पे वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। तो इसलिए आपको डायग्राम बहुत अच्छे से बनाना है और नीट एंड क्लीन बनाना है, ताकि आपको फुल मार्क्स मिल जाए। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ कंस्ट्रक्शन ऑफ एन चैनल ई मॉस्फेट एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। सो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके चांसेस आने की बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये क्वेश्चन 6 या 5 मार्क्स के लिए आराम से आ सकता है, क्योंकि इसमें 3 या 4 डायग्राम है और इसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी ज्यादा है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन चैनल मॉस्फेट। अब एन चैनल की जगह पी चैनल भी आ सकता है, तो इसमें बहुत छोटी माइन्यूट चेंजेस होते हैं, तो वो चेंजेस आपको एक बार देख लेना है। फिर 7th नंबर का क्वेश्चन वो है कॉमन इमिटर कॉन्फिगुरेशन, और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉमन इमिटर कॉन्फिगुरेशन पे भी बहुत सारे पिछले इनसेम में भी पूछे गए थे। सो कॉमन इमिटर कॉन्फिगुरेशन का क्वेश्चन भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो ये दोनों क्वेश्चन तो आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये ब्लॉक डायग्राम भी बहुत ईजी है, इसमें बस 4 ब्लॉक रहते हैं, और 4 ब्लॉक को आपको एक्सप्लेन करना है। अगर 4 ब्लॉक को आप एक्सप्लेन कर ले होते, तो आपको 5 मार्क में से मिनिमम 4 मार्क्स तो इजीली मिल ही जाएंगे। सो ये देखिए, ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बीएक्सई। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये आप सारे क्वेश्चन कर लेते हो, तो आप इजीली बीएक्सई में पास हो जाओगे, और आपको 30 में से 12 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए गाइस। थैंक यू।